वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम डेट के बारे में कि उसका एग्ज़ाम कब होगी और एडमिट कार्ड कब आएगा और फॉर्म सुधारने का ऑप्शन कब आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट थी कि बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम डेट बताइए कि उसका एग्ज़ाम कब होगा ताकि मैं इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ, अच्छे से पढ़ पाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों का कन्फ्यूजन है कि दिसंबर में होगा कि जनवरी में कि फरवरी में कि मार्च में या कब होगी एग्ज़ाम डेट। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूँ और यह फिक्स नहीं है कि उसी समय आपका एग्ज़ाम होगी। और एग्ज़ाम कब होगी ये बताऊँगा, एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा वो बताऊँगा, और फॉर्म में सुधार, जिनका जिनका फॉर्म में गलत हुआ है क्या सुधार करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं, ये सभी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिस में क्लिक कर लीजिए ताकि इसके रिगार्डिंग आने वाला संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी, पल पल की खबर मिलती रहेगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, अब जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आपको बिहार सिविल कोर्ट में प्यून मतलब तीन कैटेगरी की एग्जामिंग हुई थी, प्यून, स्टेनोग्राफर और क्लर्क का जो फॉर्म फिलअप हुआ था। टोटल 7693 पदों की भर्तियां थी और इसमें लगभग फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, टोटल एक महीना फॉर्म फिलअप हुए हैं। और यहां पर देखिए 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप हुआ, टाइपिंग में गलत हो गया हुआ और इसका अंतिम तिथि भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आप लोगों का इंतजार है कि कब इसका मतलब परीक्षा होगी। अब जो है इसमें एक चीज़ और आप लोगों की त्रुटि थी कि क्या फॉर्म सुधार करने का ऑप्शन आएगा कि नहीं। तो जिनका जिनका फॉर्म में गलती हुआ है उनको 7 से 8 दिन का समय मिलेगा सुधारने का, ये बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। सुधार का ऑप्शन आने ही वाली है, सुधार का ऑप्शन आएगी या नहीं भी आ सकती है, आपको दो कन्फ्यूजन है, लेकिन 80% चांस है कि यह सुधार का ऑप्शन आएगी। और जिस समय आपको सुधार का ऑप्शन आएगा मैं वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा कि कैसे स्टेप बाई स्टेप अपना फॉर्म को सुधार कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके। अब मैं बात करता हूँ कि इसका एग्जाम जो है वो कब होने वाली है और एडमिट कार्ड कैसे निकलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम एग्जाम नोटिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम नोटिस में क्या बताया गया है, एक्सपेक्टेड डेट क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने सिंपली इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में देखिए आपका जो इसका एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स आपका फरवरी में होगी, एक्सपेक्टेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी जो है आपका फिक्स नहीं है, हो सकता है फरवरी के मिड से स्टार्ट हो, फरवरी के एंड से स्टार्ट हो या मार्च का आपका फर्स्ट वीक हो जाए, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है वह जो है फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगी। तो जिन लोगों का तैयारी अभी कम्प्लीट नहीं है वो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 महीना अभी भी समय बचा हुआ है, तो 3 महीना का इनफ है आपको इसके तैयारी के लिए। अगर किसी भी कैटेगरी से आते हो तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और इसका तैयारी कर सकते हो। एग्जाम जो होगी आपको फरवरी 2023 में एग्जाम होने वाली है। साथ ही साथ इसमें मैं बात करूं कि आपका एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा सिविल कोर्ट का, तो यहां पर देखिए आपको पटना सिविल कोर्ट एग्जाम एडमिट कार्ड निकालने के लिए सबसे पहले विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पर डायरेक्ट लिंक दिया होगा, उस पर होम पेज पर जाना है, उसको एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर डाउनलोड करने का ऑप्शन लिखा हुआ उस पर क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे तो उस समय आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा वह दोगे, उसके बाद में लॉग इन करोगे तो आपका जो है एडमिट कार्ड का सेक्शन पर जाना होगा जहां आपको एडमिट कार्ड का डाउनलोड मिलेगा, फिर उस पर क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और वही एडमिट कार्ड लेकर आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है। और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड का कॉपी, कोई आइडेंटिफिकेशन जो होता है डॉक्यूमेंट्स, वो लेकर जाना है जिससे आपको वेरीफाई हो पाए। तो ये था आपका एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और इसी प्रकार का और वीडियो चाहते हैं तो फ्रेंड्स नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपको इस पर सबसे पहले वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।